हे शिव जी, आज आपकी शिव वरदानी बहुत बड़े संकट में है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही बताइए नैना के खून में से उन सपनों का जहर कैसे निकालूं। और इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है मेरी बेटी पूर्विका के सर पर, उसे दुश्मन से कैसे बचाऊं? समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये भी नहीं जानती कि उनका मकसद क्या है, हमारे दुश्मन कौन है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशन्ति अद्वत। नदी और तालाब के समाहित होने पर उसके वेग से समुद्र विचलित नहीं हुआ करता, अपनी यथास्थिति बनाए रखता है। ना ये तुम्हारी पहली परीक्षा है प्रार्थना, और ना ही अंतिम। अगर सच जानना चाहती हो तो अपनी माँ प्रथा की तरह सोचना होगा, अपनी सोच को हारने से रोकना होगा, अपने पांव तले की जमीन पर मजबूती से खड़ा रहना होगा। नहीं कर सकती मैं, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत। मेरे अपने पति रघु को ही मुझ पर विश्वास नहीं है। मानता हूँ रघु का तुम पे से विश्वास हिल गया है, लेकिन क्या तुम्हारा विश्वास भी अपने इष्ट महादेव पे से डगमगा गया है प्रार्थना? अपनी मां प्रथा को देखना चाहिए था तुम्हें, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसके यकीन को, महादेव पे उसके विश्वास को देखना चाहिए था तुम्हें। क्या नहीं खोया उसने? अपना पति, अपने पति का विश्वास, अपनी बेटी, अपना घर परिवार, यहां तक कि अपनी सारी जिंदगी खो दी। बस खोया नहीं तो खुद का खुद पे यकीन। अब जो होना था वो हो गया, मेरा बस। आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना था, अब मैं अपनी शेष नागिन की शक्तियां वापस लेकर रहूंगी। हिम्मत नहीं हारी उसने, वो अकेली सब पर भारी थी। अपने हक के लिए, अपने देश के लिए वो सबसे लड़ी, यहां तक कि अपनी सगी बहन से भी। आखिरकार अपने पति को भी जीता और उसके विश्वास को भी। हाँ, जब तुम्हें खोया था तब जरूर उसका विश्वास, उसकी हिम्मत कमजोर पड़ गई थी, खाक में मिल गई थी वो। लेकिन भगवान शंकर पर अपने अटूट विश्वास और उसी हिम्मत के बलबूते पर वो फिर से उस खाक से खड़ी हुई और तब तक लड़ी जब तक कि जीत नहीं गई। अपने इष्ट को याद करो प्रार्थना, महादेव को याद करो और अपनी मां प्रथा के नक्शे कदम पर चलो। जाओ लड़ो, और जब तक अपना अधिकार हासिल नहीं कर लो तब तक हार मत मानो। अगर इस वक्त मुझे नैना को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना है, उसके खून में सपनों का जहर है जो मैं निकाल नहीं सकती। किसने कहा तुमसे? प्रार्थना, जब एक मार्ग बंद होता है तो चार खुलते हैं। एक रास्ता है वो जहर निकालने का। क्या? शेषनाग और शेषनागिन का मिलन, उनका संगम। हाँ प्रार्थना, यदि तुम दोनों एक हो गए तो वो शक्ति पैदा होगी जो सर्वशक्तिशाली होगी, जिसकी सहायता से नैना के शरीर से उन सपोलों का जहर निकाला जा सकेगा। पर रघु को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं, तो हम दोनों का एक होना तो होने से रहा। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा। प्रार्थना, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, कब होगा, लेकिन ये जो हैं सारे जग के माता पिता पितामह, इन्होंने यदि कुछ सोचा है तो अवश्य अच्छा ही सोचा होगा। अब यदि नैना के शरीर से उन सपोलों का जहर बाहर निकालना है तो शेषनाग और शेषनागिन को एक साथ आना ही होगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ, क्योंकि नैना को तो बचाना होगा। विजयी भवा, हर हर महादेव। ये प्रार्थना ना हर बार मेरे रास्ते का कांटा बनकर बीच में बिछ जाती है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वो तो शुक्र है कि रघु उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, वरना इस बार जो उसने मेरा सच बताया था ना रघु को, उसके बाद रघु मेरा तो पंटादार कर देता। मुझे प्रार्थना को अपने रास्ते से हटाने का एक रास्ता मिल गया है, अब वो हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते। क्या सोच रही हो तुम? अब हमें उससे कैद से रिहा करना होगा, एक वही है जो प्रार्थना को अपने काबू में कर सकता है। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही? उसी की बात कर रही हूँ, चलो उसे मिलते हैं।
लेकिन नागराज तक्षक अभी तक नागमहल से लौटे क्यों नहीं? हर हर महादेव। नागराज तक्षक, धरती लोक के क्या समाचार है? हमारे नाग नागिनों पर अभी भी कोई खतरा है क्या? अपराधियों का क्या हुआ? कुछ पता चला कि वो कौन है? नहीं वासुकी, अभी तक नहीं। अब अपराधी पहले की तरह सामान्य नहीं रहे, बहुत शातिर हो गए हैं। अब उनका एक संगठन है, एक नाम है, षड्यंत्र। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका कोई चेहरा नहीं, लेकिन मोहरे बहुत हैं। असली अपराधी तक अभी तक शेष नागिन भी नहीं पहुंच सके। पर यह समस्या तो शेष नाग को सुलझानी चाहिए ना? हाँ कालिया, लेकिन आज तक इस ब्रह्मांड, इस धरती पर जो भी संकट आया है, उस संकट से शेष नागिन ने हमें उबारा है। लेकिन अब शेष नागिन पर खुद पर हमले हो रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब तक शेष नाग और शेष नागिन एक नहीं होते, तब तक शत्रु का अंत मुश्किल है। उन दोनों को एक कैसे किया जाए? प्रार्थना ने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। यही तो समस्या है कि आप सब एक ही दृष्टि और एक ही दृष्टिकोण से किसी स्थिति को देखते हैं, परखते हैं। आवश्यक नहीं कि हर आंखों देखी और कानों सुनी बात हमेशा सच हो। हम में से किसी ने भी सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का कभी प्रयत्न नहीं किया। किसी ने भी अपने आप को प्रार्थना की जगह रखकर उसे समझने का प्रयत्न नहीं किया। औलाद सिर्फ रघु ने नहीं खोई, प्रार्थना ने भी खोई है। और यदि दुख की बात करें तो प्रार्थना का दुख रघु की तुलना में कहीं अधिक है। रघु ने तो अपनी सिर्फ एक बेटी खोई, लेकिन प्रार्थना ने दोनों। आज उसकी अपनी बेटी पूर्विका उसकी आंखों के सामने उससे इस तरह नफरत करती है कि ये स्थिति एक मां के लिए जीते जी मृत्यु के समान है। इस नफरत के सिवा प्रार्थना की जिंदगी में और कुछ नहीं। वो बहुत अकेली है और हम सब ने प्रार्थना को जब भी देखा शक की नजर से देखा। ये हम कैसे भूल गए? वो प्रार्थना की मां प्रथा ही थी जिसने महामारी के समय देश और देशवासियों की रक्षा की। वो पूर्विका की मां प्रार्थना ही थी जिसने वासुकी मंदिर के खजाने की रक्षा की। बचाने वाला कभी मार नहीं सकता, रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता, इतनी सी बात हम कैसे भूल गए? वो शेष नागिन जो हर खतरे के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई, वो अपने ही देश के लिए खतरा कैसे बन सकती है, ये बात हम क्यों नहीं समझ पाए? प्रार्थना वो नागिन नहीं जो उन लोगों और नाग नागिनों को मार रही थी, बल्कि वो तो उन्हें बचा रही थी। उसने पूर्विका को भी बचाया। स्वर्णा, कालिया, वासुकी, अब समय आ गया है जब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। प्रार्थना को समझना होगा। नागराज तक्षक, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रार्थना और रघु के बीच की जो दूरियां हैं, हम कैसे मिटाएं? उनकी बीच की दूरियां उनकी मृत बेटी है। ये तो मैं नहीं जानता स्वर्णा। भोलेनाथ की महिमा का पार तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि नहीं पा पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा शेषनाग और शेषनागिन को एक साथ लाने का। नागराज तक्षक सही कह रहे हैं, इसकी कड़ी धरती लोक से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा रघु और प्रार्थना को मिलाने का। कोई तो रास्ता होगा जी, कि मैं कानूनी तौर पे मेहर को गोद ले सकूं। जी 6 साल से आपके पीछे पड़ रहा हूं जी, मेरा काम करा दो करा दो, आप करा ही नहीं रहे। नहीं जी, नहीं, और नहीं, पहले ही काफी देर हो चुकी है, अब और देर नहीं जी, अब जल्दी से मेरा काम कराओ। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जीत जी, कोई तो तरीका होगा, 6 साल हो गए। वो 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, हमने ना गलती की है। यमुना की नदी में कोई बहती हुई बच्ची हमको दिखी, हम उठा के उसको घर ले आए। आइडली ना ऐसा होता नहीं है जी, जब कुछ ऐसा होता है ना तो हमको सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन में खबर देनी पड़ती है। हमने जो किया है ना वो गैर कानूनी काम है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तुमको कोई बच्ची दिखी, हम उसको उठा के लाए और सीधे घर पे लिया। सोचा ही नहीं उसके माँ बाप कौन है, कहाँ से आई है, क्या होगा आगे। आप क्या चाहते हो कि कोई आए और हम हमारी मेहर को उठा के उसे दे दे? ना ऐसा नहीं चाहता, मेरा मतलब नहीं है ये। मुझे मेरी रब दी सौ है, मैं मेरी मेहर के बिना नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे मेरी मेहर से ना दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। तो मैं रह सकता हूँ क्या? कौन मुझे आपसे अलग करेगा मम्मी जी? तो कोई नहीं मेरे पुत्र, किसी में हिम्मत है जो हमको हमारी मेहर पुत्र से अलग कर दे? तुम्हारी मम्मी ने एक भयानक सपना देख लिया तो डर गई, परेशान हो गई। आप ही ना मम्मी जी, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी मेहर से अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं।
आज अगर वो मेरे जाल में फंस गई तो फिर तो मैं नाग नागिन की असलियत जान ही लूंगा, साथ में ये भी जान लूंगा कि इच्छाधारी नाग नागिन आसपास है या नहीं। बस आज वो आ जाए। हाँ सुनो, सारी तैयारी होंगी, मैं जैसे इशारा करूंगा ना सर्पगंधा का जाल बिछा देना, अगर वो नागिन हुई तो बच के नहीं जा पाएगी। तुम आ गई? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो सकता है? वैसे कहाँ चलने का प्लान है? शॉपिंग, कॉफी? आओ चलें। I'm really sorry. नहीं वो एक्चुअली मैं शहर में ज्यादा रही नहीं हूँ, मुझे शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता। इनफैक्ट मैं आज पहली बार ऐसे अकेले बाहर निकली हूँ। मतलब तुम पहले शहर में नहीं रहती थी? नहीं। तो फिर कहाँ रहती थी? ना ऑस्ट्रेलिया। आपको भाई ने बताया तो था ना? हाँ हाँ वो यस बताया था। वैसे एक बात कहूँ, आप इतनी खूबसूरत हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई मिला नहीं? शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिला? वक्त तो नहीं मिला, मैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत स्ट्रगल करती थी, अपनी जमीन बनाने में मैं इतनी बिजी रहती थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तुम्हें देख के लगता है तुमने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत दर्द सहे हैं। क्यों ना अजय, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा, बिना कहे मुझे जाना। तुम पहले इंसान हो जो मुझे अच्छा लगने लगा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक नागिन हो, मुझे तुम्हारी असलियत जाननी थी इसलिए मैंने ये जाल बिछाया। तुम और तुम्हारा परिवार ये सब अच्छा दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सब दिखावा है, छलावा है। इन सब चेहरों के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा है। और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत जल्दी कुछ ही पलों में तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, एक नागिन बन जाओगी। अगर तुम आज सही वक्त में नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमने मेरी असलियत के साथ साथ मेरी जान भी बचाई, थैंक यू। स्वर्णा, ये दुनिया बहुत खराब है और इस दुनिया पे विश्वास करना उससे भी ज्यादा खराब। इस नकली दुनिया से दूर रहो वरना तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आते देर नहीं लगेगी। ऐसी अहमियत पहले कभी किसी ने दी नहीं ना, तो मुझे समझ में नहीं आया पता नहीं कैसे मैं इसके जाल में फंस गई। अब जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, पर आगे से सतर्क रहना। अब घर जाओ। प्रार्थना, मैं जानती हूँ तुम्हारे और मेरे भाई के बीच बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन देखो मुझे मेरे दुख के लिए किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि लोग अपनी नजर से देखें और ये जाने कि उन्हें क्या दिखता है, ना कि किसी और की नजर से। प्रार्थना तो अच्छी है, भाई ने जैसे कहा था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। प्रार्थना के रहस्य के बारे में अब सिर्फ वही बता सकती है। सच बता, कौन है तू जिसने तुझे यहाँ भेजा? जब तू मेरे भाई की सभा में आई थी क्या बोला था? मैं मरने वाली हूँ, मौत के बिस्तर पे हूँ। हमारे बहुत सारे नाग और नागिनों को ऐसी जख्म दी है, न जाने कितने मर गए। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। सच
नहीं। जब तक तू सच नहीं बताएगी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सच बता, कौन है वो जो तुझ जैसे सपोलों को बना रहा है? वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तो शेषनाग का शहर है। चल अपने असली रूप में आ। बोल कौन है वो, नाम बता उसका, बता सच। बताती हूँ आखिर वो कौन है जिसकी इतनी जरूरत, जो इसे मार के चला गया? ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमारे बीच एक नहीं कई राज मंडरा रहे हैं। नाग महल का पता सिर्फ नागलोक के लोगों को ही है, तो इसका मतलब इसको जिसने भी मारा वो हमारे बीच में से कोई एक है। तो क्या रत्ना जो कह रही थी वो सच है? उसे जगाने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ उसे जगाओ, क्योंकि तुम जानती हो ना कि वो एक बार किसी का रूप देख लेता है, खूबसूरत रूप देख लेता है, तो उससे पाई बिना वो रुकता नहीं। जानती हूँ, इसलिए तो नागलोक से उसे निष्कासित कर दिया था, बुरी नीयत और बुरी नजर, इसीलिए उसे यहाँ कैद करके रखा है। आज रूप देखेगा वो मेरा, और उसकी बुरी नजर पड़ेगी प्रार्थना पर। हे दंशक, आज मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। मैं यहां तुमसे तुम्हारी मदद मांगने आई हूं। कौन हो तुम और क्यों आजाद किया तुमने मुझे? मैं शेष नागिन हूं। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में दंशक, सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी है, जो भी तुमसे मिलती है खुश हो जाती है, और मैं शेष नाग के साथ खुश नहीं हूं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं खुशी ढूंढने और तुम्हारे दिल में अपने लिए एक जगह बनाने। रूप तो दीवाना है मेरा, दंशक चीज ही ऐसी है जो भी देखता है
बस कायल हो जाता है, क्योंकि अब मेरी नजर तुम पे पड़ चुकी है। तुम ना भी चाहो तो अभी तुम्हें दंशक की होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हो जाऊँ दंशक, पर अब मुझे जाना होगा। अगर शेषना को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ, तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को सजा देंगे। आज रात को मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। अगर सच में तुम में इतना जादू है तो आज रात आओ, मुझे मिलो और मुझे शेषनाग से छुड़ा कर ले जाओ। आऊंगा और तुम्हें लेके भी जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा। जाती हूँ। क्या हुआ? प्रार्थना का ये रूप उसके दिल में उतर गया है। आज रात वो जाकर प्रार्थना से मिलेगा और उसे यहाँ ले आएगा। और आज तो लाल रात की लाल चांद है, और आज प्रार्थना की सारी शक्तियाँ कमजोर होंगी, और आज उसे उस दंशक की नशीली नजरों से कोई नहीं बचा पाएगा। पर अब बस, मुझे प्रार्थना के इस रूप से बख्श दो। अब मैं अपने असली रूप में आना चाहती हूँ। आ जाओ। वाह त्रिशा, गजब का है तुम्हारा नशा। ये जो प्रार्थना का रूप लेकर तुमने रघु के दिल में जो आग लगाई है ना, वो अब बुझेगी नहीं, बल्कि प्रार्थना उसी आग में झुलसेगी। हाँ, और प्रार्थना को ले जाएगा दंशक, और रघु हो जाएगा मेरा। बाबा 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 बाबा, मेरे जन्म से पहले तो आप भी यहाँ रहते होगे ना, तो फिर आपका भी विवाह यहाँ हुआ होगा। हाँ, मैं प्रार्थना। बाबा आप उदास मत होइए, अब मैं उन आंटी की कभी बात नहीं करूँगी, वो बहुत बुरी है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी माँ है ना, और वो आपसे बहुत प्यार करती। ये लड़ाई हम दोनों के बीच में, लड़ाई में आप नहीं हो। अगर बाबा आप भी उनसे करते हो तो मैं भी करती हूँ। रघु, क्या वो? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे किया। सोना, मैं सोच रहा था अगर प्रार्थना की बात सच हुई तो, अगर सच में कोई नाग है जो इंसानों को मार रहा हो तो, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रार्थना टीना बंटी लड्डू से बहुत प्यार करती है, और आज उसकी आंखों में लड्डू के लिए जो फिकर जो डर देखा उसमें छल नहीं था, तो मुझे लग रहा है सच में कुछ गड़बड़ा। रघु तुम चिंता मत करो, ये गुत्थी मैं सुलझाती हूँ। रघु, प्रार्थना सच कह रही थी, वो नागिन हमारी दोस्त नहीं थी, दुश्मन थी। उसके साथ और भी लोग आए हैं जो इंसानों को मार रहे हैं। वो नागिन अपने सरदार का नाम बताने ही वाली थी कि किसी ने उसे मार दिया। मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश है, कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। पता नहीं कौन कौन लोग शामिल है इसमें। लड्डू की बारात आने का वक्त हो गया है, और लड्डू के शरीर से जहर अब तक निकला नहीं। नागराज तक्षक ने तो कह दिया कि लड्डू को बचाने के लिए मुझे और रघु को एक साथ आना होगा, पर हमारा एक साथ आना तो दूर, रघु को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं। कि अचानक जमीन क्यों हिली? मैंने कहा था ना, तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम तक ले ही आएगी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत? शेष नागिन से ऐसे बात करते हो? तुम्हें किसी ने वैसे बताया है? गुस्से में भी तुम कितनी हसीन लगती हो। तुम्हारे तो थप्पड़ में भी प्यार है। चुप। मैंने कहा था ना, तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरी ही हो। दुष्ट पापी शेष नागिन पे हाथ लगाता है। तू वही तनशक है ना जिसका नाम सुनते ही सारी लड़कियां डर जाती है? ऐसी एक नागिन नहीं होगी जिसमें तूने बुरी नजर नहीं डाली हो। इसीलिए तुझे कैद में रखा था ना? तुझे उस कैद से छुड़वाया किसने? बता मुझे, किसने छुड़वाया तुझे उस कैद से? मुझे नहीं पता था कि शेष नाग का इतना डर है कि शेष नागिन को यह नाटक करना पड़ेगा। वो बता ही नहीं पा रही है कि इस दंशक को आजाद कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तुम्ही ने तो कहा था कि आओ और मुझे शेष नाग से आजाद करो, और आओ आके मुझे ले जाओ। लो मैं आ गया और आज मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। अच्छा तो अब ये जाल बिछाया है मेरे लिए मेरी उस हमशक्ल ने। शेष नागिन पे वार करेगा, अब आ मेरे वार से बच। वार करने से पहले पता तो लगे कि असली कौन है। कोई आम बेड़िया नहीं, ये नर्क की आग में तपी हुई बेड़िया है। और जब तक ये बेड़िया तेरे पैरों में रहेंगी तू अपनी शक्तियों का कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएगी। तू एक शेष नागिन नहीं, एक आम औरत रहेगी। तू नागिन की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। मुझे दर्द तभी होता है जब प्रार्थना को दर्द होता है। लगता है वो किसी मुसीबत में। अब तू मेरे साथ जाएगी। तूने एक शेष नागिन पर वार किया है, अब तू देखना एक शेष नागिन तुम्हारा क्या अंजाम करती है। अंजाम तो शेष नागिन का ये होगा कि वो मेरी पत्नी बनेगी या फिर मेरी आहोश में रहेगी। अर्चक शेष नागिन नहीं, अपनी मौत को अपने साथ लेके जा रहे हैं।
हैरान हो गए? हम्म? मत हो, क्योंकि मुझे वरदान मिला है, ना कोई पुरुष मुझे मार सकता है और ना कोई स्त्री। तू जितनी बार मुझे मारेगा मैं उतनी बार वापस आऊंगा। रघु मेरी तरफ देखो, रघु देखो मेरी तरफ। रघु, दंशक को एक वरदान मिला है कि कोई स्त्री या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, पर हाँ अगर स्त्री और पुरुष एक हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। इसका मतलब तुम्हें और मुझे हम होना होगा। मतलब? मतलब दंशक का वध करने के लिए शिव और शक्ति को एक होना होगा, दोनों को एक, स्वर और ईश्वर, अर्ध नारीश्वर। मतलब तुम्हें और मुझे आज शिव शक्ति के मिलन के पराकाष्ठा पर जाना होगा। अर्ध नारीश्वर के रूप में उसके सामने जाना होगा। जब जानते हो कि मैं मर नहीं सकता तो बार बार ये वार क्यों? खेल खेलने का ज्यादा ही शौक है तो आओ खेल खेलते हैं। लेकिन शेष नाग एक बात तुम सुन लो, मुझे शेष नागिन से बेइंतहा मोहब्बत है। ओम नमः शिवाय। 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 क्या कहा तूने? तुझे कोई स्त्री या पुरुष नहीं मार सकता। तुझे शिव नहीं मार सकते। तुझे शक्ति नहीं मार सकती। पर तुझे उन दोनों का मिलन तो मार सकता है ना? देख, आज धरती पर ईश्वर उतर आए हैं इस रूप में। ईश्वर का प्रचंड रूप, अर्ध नारीश्वर। गलत दृष्टि डालने वाले का यही अंत होगा। तक्षक का प्रणाम। आज शेषनाग और शेषनागिन शक्ति के मिलन की उस पराकाष्ठा के रूप में सामने आए हैं जो इस समुचित ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अब नैना को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नैना को इनके पास लाना होगा। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। सुकून मिल रहा है, सीने में एक आग सी जल रही है, फिर भी दिल में कितनी ठंडक है। किसी को दर्द देने की चाहत है। लड्डू दी, आप रेडी हो गई? ये क्या कर रहे हो आप दी? छोड़ो, क्या हो गया आपको दी? ए, मैं तेरी कोई दीवी नहीं हूँ, तेरी मौत हूँ मौत। नैना, तुम होश में नहीं हो, तुम पे जहर का असर हो रहा है। होश तो मैं तेरे उड़ा दूंगी, मार डालूंगी तुझे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे,
छोड़। स्वर्णा, मुझे अभी इसी समय नैना को शेषनाग और शेषनागिन के पास ले जाना होगा। अब वही इसे ठीक कर सकते हैं। नागराज तक्षक, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। आज इसकी शादी है, अगर ये ज्यादा देर तक गायब रही तो लोग सवाल करेंगे। नैना रेडी हो गई? नैना, नैना मैं आ जाऊं? तो कोई और है? अगर नैना को यहाँ पे नहीं देगी तो सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे टीना की याददाश्त को मिटाना होगा। लड्डू दी, मैं जमीन पे क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, वो मेरी इयररिंग गिर गई थी ना, बस वही उठा रही थी। हाय मेरे बच्चे, तुसी रेडी हो गए? किन्ने सोने लग रहे हो मेरे पुत्र। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, जुग जुग जियो। बारात आ गई है, शादी की रस्म बस शुरू होने ही वाली है। बस आप चलो, मैं 2 मिनट में आई। अच्छा आ जाओ। शेषनाग और शेषनाग इनके मिलन रूप अर्धनारीश्वर को तक्षक का प्रणाम। हे अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिनम, इस बच्चे की जान खतरे में है प्रभु, इसे आशीर्वाद दीजिए। हे जगत जननी जगत पिता, इसकी जान बचा लीजिए प्रभु। प्रपंच सृष्टि मुखलास्य काये, समस्त संहारक तांडवाये, जगत जनन्ये जगदेक पित्रे, नमः शिवाये च नमः शिवाये। ओम अर्धनारीश्वराय नमः।